स्टूडेंट आपका दोस्त। आज मैं एक नई चीज करने जा रहा हूँ कि जो भी प्रॉपर्टी न्यू टाउन या राजारहाट में बना हुआ है जितना तक हो सकता है उन सबों का मैं आज कुछ रिव्यू करने जा रहा हूँ। मतलब कि कौन सा सोसाइटी का कौन सा काम कितना हुआ है, कितना आगे बढ़ा है, उसका प्रोग्रेस क्या हुआ है, कितना प्रोग्रेस रिपोर्ट उसका हम आप लोग को बता सकते हैं। तो चलिए चल के देखते हैं। और मैं विश्व बांग्ला नारकेल बागान मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट। ये देख लीजिए, यहाँ से हम अपना जर्नी शुरुआत कर रहे हैं। साथ में ये भी बताएंगे कि कितना मिनट हमको लगा कहाँ तक पहुँचने में, ताकि आपको समझने में सुविधा होगा कि अगर हम विश्व बांग्ला नारकेल बागान से निकल कर जा रहे हैं तो हमको इको स्पेस जाने में कितना समय लगा और हमको और सब सोसाइटी में जाने में कितना समय लगा। मैं टोटल जर्नी आपको समझाऊंगा और बतलाऊंगा। तो चलिए यहाँ से अपना जर्नी शुरू करते हैं विश्व बांग्ला नारकेल बागान से, जो हैंगिंग स्टूडेंट है। चलिए टेक्नो इंडिया कॉलेज, ओयो हॉस्पिटल, न्यूटन थाना, टाटा मेडिकल सेंटर, कैंडोर टेक स्पेस। यहाँ से हम लोग लेफ्ट हो रहे हैं। इसकी यूनिटेक पहले बोला जाता था, आज भी लोग यूनिटेक के नाम से ही जानते हैं। टीसीएस गीतांजलि पार्क, पीएस ग्रुप का मिस्टेक, इडियन कोर्ट। और देखते ही देखते दो मिनट के अंदर में हम टीसीएस इको स्पेस चले आए। गोल्ड राउंड मैं इस आइलैंड का गोल्ड राउंड ले रहा हूं। एक बार एक चीज दिखाना है, ये देखिए कि नया कैफे खुला है। आप लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि आप लोग यहां पर बहुत दिन से नहीं हैं, जिनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने एक राउंड लगवाया इस आइलैंड का। Thank you.
रियलटेक ग्रुप का क्यूरोसिटी हाउसिंग सोसाइटी, ये टोटल फ्लैट बिक चुका है, सोल्ड आउट हो गया है। अब हम जाएंगे क्यूरोसिटी के क्यूरोसिटी क्लासिक प्रोजेक्ट पे, चलिए उसका रिव्यू करते हैं। সাইড কোথাও লাগিয়ে দিন, যদি না যেতে পারেন সাইডে লাগিয়ে দিন, ঠিক আছে। ফ্রেন্ডস, মানে যাব লাস্ট ভিডিও বানা থা তো উস সময় মে আপ লোক দেখিয়েগা, মে লাস্ট ভিডিও মে জায়গা দেখ কিরোসিটি ক্লাসিক মে তব ইতনা কাম নেই হুয়া থা, ইহা কাম কা প্রোগ্রেস বহুত তেজ গতি সে হো রাহা হ্যায়। ইয়ে দেখিয়ে কিরোসিটি ক্লাসিক বহুত তেজ গতি সে ইহা পর কাম চল রাহা হ্যায়। सोचा भी नहीं था कितना काम अभी तक हो गया होगा। इसका 2024 एंड में इसका पोजीशन डेट है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फ्लैट 184 है, जी प्लस 4 का। यहाँ पर टावर बन रहा है और 65% यहाँ पर ओपन लैंड रखेंगे हैं, ओपन स्पेस रखा गया है। देखिए काम बहुत तेज गति से हो रहा है। यहाँ पर 4 टावर बनेंगे, जी प्लस 4 के 4 टावर बनेंगे और टोटल एमिनिटीज यहाँ पर रूफटॉप पर होगा। रियलटेक ग्रुप का एक बहुत बड़ा खासियत है, इनका काम बहुत तेज गति से चलता है और ये लोग क्वालिटी को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। ये देखिए कितना काम हो चुका है, कितना काम आगे बढ़ चुका है। ये देखिए यहाँ का बेस सेट 5,500 रुपये है, 5,500। आज का जर्नी फ्रेंड्स मैंने क्यूरोसिटी क्लासिक से शुरुआत किया है, तो आप लोगों को एक एक कर टोटल जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पर बन रहे हैं और जिन सब मैं लिंक्ड हूँ उन सब प्रोजेक्ट का मैं आपको जितना तक हमसे बन पड़ेगा मैं आप लोगों को डिटेल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। आइए इसका बोर्ड देखते हैं कैसे बनाया हुआ है। ये देखिए क्यूरोसिटी क्लासिक, ये जब बनकर तैयार होगा, ये 2 गेट यहाँ पर बनेंगे। ये देखिए रूफटॉप पर क्या क्या होगा, ये सब दिखाया गया है। इस तरह से बनेगा, ये देखिए। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को ये दिखाया क्यूरोसिटी क्लासिक का, और आप चलते हैं हिजी बिजी में। हिजी बिजी यहाँ सब बगल में है, और एक बात मैं आपको बताना भूल गया आप लोगों को,
कि हम जब विश्व बांग्ला नारकेल बागान से यहाँ पर आए थे तो हमको मुश्किल से 2 से 2.5 मिनट का समय लगा था, क्योंकि मैंने एक गोल्ड राउंड लगाया था, वो आपका इक्वी स्पेस के पास में जो आइलैंड है, उसको गोल्ड राउंड लगाकर मैं आया था। 2.5 मिनट के अंदर में मैं यहाँ पर पहुँच गया था। तो अब चलते हैं हिजी बीजी में। हाँ फ्रेंड्स, अब हम हिजी बिजी में आए हुए हैं। ये देखिए हिजी बिजी का, आज संडे है। बहुत तेज गति से काम हो रहा है यहाँ पर। फ्रेंड्स, हिजी बिजी के बारे में थोड़ा आप लोगों को शॉर्ट ब्रीफ में कर देता हूँ। हिजी बिजी ये टोटली जो इसका जो डिज़ाइनिंग है जिगजैग पैटर्न पर है। यहाँ पर 2 और 3 BHK के फ्लैट हैं और 3 साइड ओपन फ्लैट यहाँ पर है। मतलब आप एक फ्लैट लेते हैं तो आपको 3 साइड से ओपन मिलेगा। और यहाँ पर टोटल लैंड होता है 2.98 एकड़, लगभग 3 एकड़ का ये लैंड है, लगभग। और G+12 के 6 टावर यहाँ पर होंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। G+12 के 6 टावर हैं यहाँ पर। और टोटल फ्लैट यहाँ पर 336 फ्लैट हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। और इसका बेस रेट हुआ 4,600 रुपया और पोजिशन डेट है 2022 का इंड। और 75% यहाँ पर ओपन स्पेस को रखा गया है और यहाँ पर फुल मॉडर्न एमिनिटीज़ को दिया गया है। यहाँ पर एमिनिटीज़ के मामले में डेवलपर्स ने बहुत दिल खोल कर दिया है। मैग्नोलिया का ये सक्सेस में चलेंगे। अब मैग्नोलिया के सक्सेस में चलकर देखते हैं कि कितना काम हुआ है। ये देखिए DPS मेगा सिटी स्कूल, ठीक बाउंड्री शेयर होता है हिजी बिजी से इसका। और यहाँ से जब हम लोग निकलेंगे DPS मेगा सिटी स्कूल से, थोड़ा सा हम निकल के जाते हैं तो देखिए हम लोगों को ये मिलता है, मैग्नोलिया का सक्सेस मिलता है। चलिए यहाँ पर चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैग्नोलिया का सक्सेस प्रोजेक्ट में हम आ चुके हैं। DPS मेगा सिटी के जस्ट बगल में है। ये देखिए मैग्नोलिया का सक्सेस।
फर्स्ट फ्लोर का ऊपर में छत का काम चल रहा है। ये देखिए यहाँ सब जगह फुल स्विंग में काम चल रहा है। जो भी काम रुका था लॉकडाउन के दौरान, लेकिन अब काम फुल स्विंग में चल रहा है। और जो भी फ्लैट ऑनर है या फिर जो भी इन्वेस्ट किए हैं, उनको चिंता करने की बात नहीं है। अब वो देख सकते हैं। तरुणदा अपना के बोल छी, चिंता करबेन ना। ऐ देखूं यहाँ पर मेरे बहुत सारे क्लाइंट फ्लैट लिए हैं, लेकिन एक जन का बहुत ज़्यादा चिंता हो गया था, उन्हीं का मैं नाम लेकर मैं भी बोला हूँ। फ्रेंड्स, मैं मैग्नोलिया के सक्सेस के बारे में इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि अब यहाँ पर बुकिंग बंद हो चुका है, अब यहाँ पर कुछ नहीं है। तो सो अब बताकर कोई फ़ायदा नहीं है। आज जिन्होंने ले रखा है उनको अच्छी तरह से पता है यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। अब हम ऋषि पटनायक की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, हम ऋषि पटनायक आए हुए हैं। ये देखिए ऋषि पटनायक में जो काम चला है, फ्रेंड्स ऋषि पटनायक का साइट मैंने आप लोगों को दिखलाया, ये साइट है। तो हाँ फ्रेंड्स, अब ऋषि पटनायक हो गया, अब हम चलते हैं इंडियाना में, द इंडियाना में चल कर देखते हैं क्या काम हुआ है। और हाँ यहीं से ये देखिए द इंडियाना में हम इन कर रहे हैं। ये देखिए मक्खन का तरह रास्ता बन गया है द इंडियाना का। हाँ फ्रेंड्स, द इंडियाना हम लोग पहुँच गए हैं। ये देखिए इंडियाना में कितना तेज गति से काम हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान सबके मन में ये दुविधा थी कि काम कितना हुआ है, ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक बार बता दूं कि लॉकडाउन के दौरान भी काम हुआ है और काम होता रहा है, बोल के ही सब काम इतना तेज गति से इतना आगे बढ़ सका है।
देखते हैं राजत्व में कितना काम का प्रोग्रेस हुआ है, जो पहले जितना हम लोग देख कर गए थे उससे कितना ज्यादा काम हुआ है। फ्रेंड्स, हम राजत्व में आए हुए हैं। पिछले बार जो हम लोगों ने काम देखा था उससे ज्यादा कहीं काम हुआ है, और अब इधर का काम चल रहा है। इतना ये सब फ्लोर वगैरह ऊपर में नहीं गया था। जिस गति से काम यहाँ का हो रहा है, ये अपने दिए हुए डेट से भी पहले इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए राजत्व का बोर्ड दिया हुआ है। देखिए उसमें ये सब काम कुछ नहीं हुआ था। जब हम लोग आए थे तो ये सब कुछ नहीं हुआ था। अब देखिए ये राजत्व का साइट है। इस तरह निकल जाएंगे तो राजहार चल जाएंगे, और इस तरफ निकल जाएंगे तो आप इको स्पेस की तरफ निकल जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं एक बार आप लोगों को फिर बता देता हूँ कि राजत्व में क्या क्या है। राजत्व में 2 और 3 BHK के फ्लैट हैं, जिसमें से 3 BHK के फ्लैट सब खत्म हो चुके हैं और 2 BHK ऑलमोस्ट शेष हो गया है। अभी भी कुछ यूनिट अभी भी हैं, बचे हुए हैं 2 BHK में। G+4 के 6 टावर होंगे और टोटल फ्लैट्स 300 हैं। यहाँ फर्स्ट फेज में 40% ओपन स्पेस को रखा गया है, और फर्स्ट फेज का टोटल लैंड 1.74% है, 1.74 एकर लैंड है यहाँ पर, और इसका पोजीशन डेट 2022 एंड बोला गया है। लेकिन जिस गति से यहाँ पर काम हुआ है, अभी हमको दिखाई पड़ रहा है, हमको लगता है बहुत पहले ही हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपना जर्नी नारकेल बागान यानी विश्व बंगाल गेट से हम लोगों ने अपना जर्नी शुरुआत किया था। वो जर्नी हम लोग इको स्पेस से होते हुए क्यूरोसिटी क्लासिक में आए, क्यूरोसिटी क्लासिक में आए, फिर VGBG में गए, फिर सक्सेस में गए, ऋषि प्रणया में गए, और द इंडियाना में आए, राजत्व में आए। बीच में एक खुशी ध्यान से निकल गया था, तो फिर किसी दिन खुशी का वीडियो हम बना लेंगे। तो फिलहाल ये सब साइट पे हम लोगों ने देखकर ये समझा कि जो पैंडेमिक है उसका असर तो पड़ा है। ये तो हम नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही नहीं पड़ा है, वो कि जिस समय पूर्ण लॉकडाउन था उस समय तो काम बिल्कुल ही नहीं हुआ, लेकिन काम हुआ है उसके खुलने के बाद। जब अनलॉक 1-2 तो काम में कंस्ट्रक्शन काम को परमिशन मिला करने के लिए, तो उस दौरान से काम चालू हुआ है। तो काम कहीं बहुत तेज गति से हो रहा है, काम कहीं थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है, लेकिन काम सब जगह हो रहा है। हम लोगों ने सब जगह देखा कि काम चल रहा है। ऐसे किसी साइट पे हम लोग नहीं देखे हैं जहाँ पर टोटली बंद पड़ा हुआ है, एक भी साइट हम लोग नहीं देखे। और खुशी मेरे दिमाग से निकल गया, तो वरना हम कोशिश करेंगे खुशी का भी बना लेने के लिए कभी समय निकाल कर, लेकिन फिलहाल आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हम वापस बैग जाने का अब हमको इच्छा नहीं है। तो जो साइट हम लोगों ने देखे और उसको रिव्यू किए हैं, इसमें से ज़्यादातर फ्लैट ऑलमोस्ट फेल हो चुका है, क्योंकि ये इको स्पेस के जस्ट बगल में है। यहाँ पर आपका बैंकिंग हब है, आपका IT हब है, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, हॉस्पिटल, हर एक चीज़ इसके सराउंडिंग 3 और 4 किलोमीटर के डिस्टेंस से सब आते हैं, एंटरटेनमेंट जोन। तो आने वाले समय में यहाँ पर क्या होगा आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो ये अगर आप सोचें कि ये थोड़ा अंदर में है, बैकवर्ड एरिया में आता है, बाई रिमोट एरिया में आता है, तो एक बात आप समझिए कि टाउन के अंदर में कोई सोसाइटी डेवलप नहीं हो सकता है। टाउन के अंदर में जगह ही नहीं होता है, तो टाउनशिप अगर बने, अगर कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स बने, हाउसिंग सोसाइटी बने, तो उसके लिए एक जगह चाहिए। अगर वो जगह टाउन के अंदर में तो मिलेगा नहीं, अगर इनकेस मिल भी आता है तो उतना बड़ा नहीं होता है, उतना अमिनिटीज वगैरह नहीं मिलते हैं, और उसका दाम भी इतना रहता है कि मिडिल क्लास फैमिली उसको टच नहीं कर पाता है। तो मिडिल क्लास फैमिली को लेने के लिए तो उनको अगर हर एक चीज़ चाहिए, हर चीज़ की सुख सुविधा चाहिए, तो थोड़ा सा उनको अंदर की तरफ आना पड़ता है। ये भी अंदर एक समय में
मेन हो जाता है या फ्रंट हो जाता है। आप सोचिए जब न्यूटन जब बन रहा था तो उस समय किसी ने उसमें सोचा नहीं होगा कि न्यूटन इतना प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि आज कर गया। तो ये सब न्यूटन से लगा हुआ जगह है तो प्रॉपर राजरहाट में है, लेकिन चूंकि ये कनेक्टिविटी इसका बहुत हाई हो रहा है, इधर अगर 150 मीटर के डिस्टेंस में जाएं, ये पहले 2 लेन है, यहाँ पर 4 लेन हो रहा है। जहाँ से ऋषि पटनाया से हम लोगों ने वहाँ से क्रॉस किया ऋषि पटनाया कि वहाँ से एक हिडको का लैंड का रास्ता निकाल, हिडको अपना रास्ता निकाल रहा है, वो हिजी बीजी के बैक साइड से होते हुए रास्ता निकलेगा, तो वहाँ पर भी इस तरह से एक तरह से 4 लेन हो गया। तो ये सब काम होते होते 3 या 4 साल में सब काम कम्प्लीट हो जाएगा, तब आप इस जगह का फ्लैट का वैल्यू देखिएगा क्या रहेगा। और तब आज जो आप लोग आसानी से यहाँ पर ले पा रहे हैं वही 4 से 5 साल के बाद नहीं ले पाएंगे। यही हमको कहना था, यही हमको समझाना था। तो फिलहाल हम अपना जर्नी यहीं पर एंड करते हैं और आशा करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल वाला आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।